एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज है मंडे, इट्स डे टाइम। और अगर आप सोच रहे हो कि मैं बाहर कहाँ तफरी कर रही हूँ, तो आज अंशुल कार घर छोड़कर गए थे मेरे लिए, बिकॉज़ मुझे थोड़ा सा शॉपिंग करनी थी, टीजे मैक्स जाना है, कॉस्को वगैरह जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब मैं अकेले गाड़ी चला लेती हूँ। जिस वीडियो में मैंने दिल से दिल तक पार्ट वन में मैंने आपको बोला था कि मैंने ड्राइविंग लर्न करी है, तो उसमें काफ़ी सारी लेडीज़ ने मुझे बोला कि अभी भी वो लोग फियर करते हैं, गाड़ी नहीं ड्राइव करते हैं। तो आई वुड से कि अगर मैं कर सकती हूँ ये काम, तो आप सब लोग कर सकते हैं। ट्राई ज़रूर करिए, लाइफ में जो काम आपने आज तक नहीं किया है और करना चाहते हैं उसको एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। क्योंकि ड्राइविंग, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरती थी, बट नाउ आई कैन डू इट, तो कोई भी कर सकता है। तो चलो मैं ज़रा जाती हूँ, शॉपिंग वगैरह करती हूँ और मैं आपको घर पे ही मिलूँगी, क्योंकि मैं लाई हूँ गोविंद को, अकेले लेकर आई हूँ, तो उसको थोड़ा सा हैंडल करना, शॉपिंग करना, मेरे लिए दोनों काम टफ रहेंगे। हम जस्ट अभी घर लौटे हैं और लौटते ही गोविंद तो सो गया, क्योंकि ये उसका नैप टाइम होता है। एक्चुअली हुआ क्या कि जैसे ही हम कॉस्को पहुंचे थे ना, वैसे ही वो ड्राउजी हो रहा था और वो ऑलमोस्ट कॉस्को में ही सो चुका था। तो बस मैंने फटाफट से दो चार चीज़ें जो लेनी थी वो ली और मैं घर आ गई वापस। आके अभी मैं उसे अंदर सुला के आई हूँ और अभी मैं पैटियो में खड़ी हूँ, बाहर आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि आज कितना ज़्यादा अच्छा मौसम हो रखा है। हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है और मन कर रहा है कि गर्मा गर्म एक कप चाय पी जाए और पकौड़े, बट पकौड़े वगैरह तो मैं नहीं बनाऊंगी, बट चाय हाँ ज़रूर बनाऊंगी। अभी अंशुल आएंगे ना ऑफिस से, फिर हम लोग सब साथ बैठ के चाय पियेंगे। तो देखिए कितना अच्छा मौसम है और अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ किचन में मैंने क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। थोड़ा सा मैंने फ्रोज़न सामान लिया है और क्या क्या कैसे कैसे मैं प्लान कर रही हूँ, जस्ट कि अंशुल का थोड़ा सा स्टे यहाँ पर इजी रहे, स्मूथ रहे। थोड़ी सी प्रेपरेशन मैंने की है तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा शॉपिंग नहीं करी, थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में ही सामान लेना था। और टीजे मैक्स में गई थी अपने आईफोन का कवर लेने, बट वहाँ पर मुझे कोई कवर पसंद ही नहीं आया, इसीलिए मैंने नहीं लिया। अभी शायद मैं अमेज़ॉन से ऑर्डर करूँगी। और ओल्ड नेवी में गई तो मुझे तो चाहिए था समर्स के कपड़े, बट समर्स के अब ना कपड़े थोड़े थोड़े जाते जा रहे हैं और अब यहाँ पे तो विंटर कलेक्शन आ गया है, तो मुझे बहुत ही सिंपल सी बस दो टी शर्ट मिली। तो मैंने गोविंद के लिए एक ये टी शर्ट ली है, ये तो ज़्यादा मुझे पसंद भी नहीं आ रही थी, बट इसके ऊपर ये एरोप्लेन बना हुआ है तो गोविंद को तो बहुत पसंद आई, तो फिर उसके लिए ये लेनी पड़ी। और एक मैंने ये इसके लिए फुल स्लीव्स की टी शर्ट ली है, इन केस हल्की सी कभी ठंड हो जाए, वहाँ पर भी अक्टूबर में थोड़ा सा होने लग जाता है, तो एक ये फुल स्लीव्स की ली है। वैसे मैंने उसके लिए थोड़े बहुत कपड़े मेसीज से ले लिए हैं, लाइक टी शर्ट्स एंड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स वगैरह, तो ओल्ड नेवी से मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था, तो सिर्फ मैंने यही दो आज लिए। शॉर्ट्स में देख रही थी बट अगेन मुझे शॉर्ट्स कोई पसंद नहीं आए वहाँ पर आज। अब वहाँ पर ना सब विंटर क्लोथिंग आ गई है, क्योंकि यहाँ पे तो अब सितंबर से विंटर स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, और कॉस्को पे भी विंटर क्लोथिंग आ गई है, मतलब इस सीज़न के हिसाब से जो सितंबर वाली ठंड होगी ना, पतले फ्लीस जैकेट्स वगैरह सब थे और मैंने ग्लव्स वगैरह देखे, तो वहाँ पे तो सब अब विंटर मिलेगा। और कॉस्को से मैंने ये लिया है मद्रास लेंटल, आठ पाउचेस हैं इसमें एंड आई थिंक एक पाउच बना लेंगे तो एक पर्सन के लिए तो एक टाइम का अच्छे खासा मील हो जाएगा, तो मैंने सोचा ये अंशुल के लिए सही रहेगा, एक ले लेती हूँ। इन केस कभी कुछ भी बनाने का मन नहीं करेगा तो दाल बना लेंगे ये वाली, सिर्फ पानी डाल के बॉईल करना है जो भी इस पैकेट में स्टफ है उसको, और चावल बना लेंगे तो ईजी रहेगा उनके लिए। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपना फ्रीजर कैसे भर लिया है फ्रोजन सामान से, जस्ट अंशुल के लिए, जिससे कि अगर कभी उनको नहीं खाना बनाने का टाइम मिले या बहुत थके हुए हों तो वो अपना फ्रोजन निकालेंगे, थोड़ा सा थाव वगैरह करेंगे, गर्म करेंगे और उनका काम हो जाएगा। तो ये देखिए, ये है मेरा फ्रीज़र। एक्चुअल में डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं होता, क्योंकि मैं फ्रोजन सामान बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ, तो मेरा फ्रीज़र हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम खाली खाली सा ही रहता है। बट अब मैंने इसे स्टफ किया है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने देखिए ये 1.8 केजी का ये ब्लॉक है पनीर का, तो मैंने ऐसे तीन ब्लॉक्स लेकर उनके लिए रख दिए हैं। उसके बाद मैंने एक समोसा पैकेट लिया है, ये तो पहले का ही है, तो हल्का सा ग्रीस करके अवन में रख दो तो भी हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। एक
मेथी का पैकेट लिया है। मेथी का पैकेट बेसिकली मैंने इसलिए लिया था क्योंकि उनके लिए मुझे मेथी मलाई पनीर बनानी है। जाने से पहले उनका मन था कि एक बार मेथी मलाई पनीर मेरे हाथ ही खा ले। और उसके बाद मैंने ये लिए हैं स्वाद के दो गार्डन फ्रेश वेजी बर्गर्स विदाउट एनी ओवन विदाउट एनी डीप फ्राइंग। ये पैटी बहुत अच्छी बनेगी, सिर्फ ग्रिलर में आप उसे रख दें, बिना घी बिना ऑयल लगाए रख दें तब भी हो जाता है। तो मैंने ये दो पैक ले लिए हैं, इसमें शायद 6 पैटीज है। एक हमने ना खोल के अभी वीकेंड पे ट्राई किया था, तभी मैं आपको बता रही हूँ। ये काफी अच्छा टेस्ट भी करती है, बिल्कुल देसी स्वाद आ रहा है इसमें। ट्रायल के लिए मैं ये सुजाता माइक्रोवेवेबल रोटियां लेकर आई थी। ये भी अच्छा है, माइक्रोवेवेबल है, 10 सेकेंड बस आपको माइक्रोवेव करना है तो अच्छी हो जाती है। अगर आपको करारी करारी रोटियां पसंद है ना तो शायद ये रोटी आपको नहीं पसंद आएगी, क्योंकि माइक्रोवेव में करने के बाद हल्की सी ऐसा लगता है जैसे कच्ची सी है, कच्ची है। बट अगर आप तवे पे इसे हल्का सा कर लो ना, तवे पे थोड़ा सा कर लो और उसके बाद गैस पे कर लो, तो वैसे ही एकदम घर जैसी करारी करारी रोटियां हो जाती है। मैंने एक ये फ्रोजन पंजाबी टिंडे का पैकेट लेकर रख दिया है, कभी इन केस उनको बनाने का मन करेगा तो थॉ करके बना लेंगे टिंडे, या फिर जैसे हम लौकी चने की दाल बनाते हैं उस तरीके से भी टिंडा चने की दाल भी बन सकती है सब्जी। तो ये ले लिया। उसके बाद ये तो मेरे पास ये सब तो चीज़ें पहले की थी, मिक्स वेजिटेबल्स और कॉर्न का पैकेट, खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए सब काम आ जाते हैं। मैंने ये लिया है हल्दीराम के होम स्टाइल पराठे, ट्रस्ट मी ये बहुत अच्छा बाय है। इसमें आई थिंक 20 पराठे हैं, यस 20 पीसेस हैं और ये $6 के थे। ट्रायंगुलर पराठे हैं, बहुत टेस्टी पराठे हैं। आप बस तवे को गरम करो, तवे पे रख दो ये ऐसे ही फ्रोजन पराठा, हल्का हल्का दोनों तरफ से घी लगाओ और हल्का हल्का ऐसे सेको, इतने करारे पराठे हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा बाय मुझे ये लगा। तो इनकेस कभी टाइम ना हो तो ये सब चीज़ें काफ़ी काम आ जाती हैं। फ्रीजर तो बस मैंने इस तरीके से अरेंज किया है और आज मैंने दिखाई दिया मद्रास लेंटिल भी मैं ले आई हूँ। उसके बाद मैं आपको ये सेक्शन दिखाती हूँ अपने फ्रिज का, यहाँ पे मैंने सारे बेसिक स्पाइसेस जो होते हैं ना अपने वो रख दिए हैं, जैसे जलजीरा, चाट मसाला और जैगरी वगैरह जो बहुत कॉमनली यूज नहीं होते बट स्टिल कभी कभी यूज करने होते हैं, तो वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज करे हैं। एक्चुअली को कुकिंग में काम आने वाली हैं क्योंकि उनको चीज वगैरह खाना काफी पसंद है, तो ये अमूल के चीज ब्लॉक्स मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और थोड़ी बहुत लिमका के डब्बे भी रख दिए हैं कभी उनको पीने का मन करे ऑफिस से आने के बाद। और यहाँ पे मैंने सारे जो ये बेसिक कुकिंग मसाले होते हैं जैसे कि हमारा हींग और भुना जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, ये सब मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, तो सबको मैंने अच्छे से लेबलिंग कर दी है जिससे कि उनको ढूंढने में दिक्कत ना हो। और सिमिलरली यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला, चना मसाला, छोले मसाला और पनीर मसाला, ये सबको भी मैंने अच्छे से लेबल करके रखा है जिससे कि कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ये बिट्स एंड पीसेस में तैयारी चल रही है, अभी तक मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट नहीं करी है, वो भी मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे अपने रिकमेंडेशंस दें कि मैं और क्या क्या प्रिपेयर कर सकती हूँ किचन में और क्या क्या कर सकती हूँ जिससे कि उनका स्टे थोड़ा सा स्मूथ रहे, क्योंकि मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं जो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं और डेफिनेटली आप लोग भी जाते होंगे कभी कभार अकेले, तो मुझे थोड़े से रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है आपके, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे लिए अपने रिकमेंडेशंस छोड़िएगा। आज मेरे पास रेस्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था तो सोचा कि चलो काम पे ही लग जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 5 o'clock हो गए हैं और अंशुल भी ऑफिस से आते ही होंगे। तो अभी चाय चढ़ा दी है बनाने के लिए और आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक अमेजिंग रेसिपी शेयर करने वाली हूँ स्वीट पोटैटो पराठे की। पहले मैं ये पराठे बहुत बनाया करती थी बट कुछ टाइम से मैं स्वीट पोटैटो लेकर ही नहीं आई घर पे, बिल्कुल ध्यान से ही निकल जाता था। तो इस वीकेंड में लेकर आई थी और सोचा था कि जो हमारे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ भी ये अमेजिंग रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो देखिए, स्वीट पोटैटो को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और फोर्क से चारों साइड से मैंने अच्छे से इसे पोक कर लिया है। उसके बाद मैंने पॉलीथीन में थोड़ा सा पानी ऐड करके माइक्रोवेव में रख रही हूँ 10 मिनट के लिए। मेरे माइक्रोवेव में ये 10 मिनट में अच्छे से बॉयल हो जाती है, बट अगर आपका छोटा माइक्रोवेव है या फिर कम पावर का है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा टाइम के लिए भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो है वो अच्छे से बॉयल हो गया है तो मैंने कट करके रखा है, अभी थोड़ा सा गर्म है तो तब तक हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद फिर मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। ड्यूटी ऑन द गो।
वेदर बहुत अच्छा है, सोचा गोविंद को बाहर लाते हैं तो वो अभी साइकिलिंग कर रहा है, हम लोग थोड़ा सा वॉक करेंगे। और देखिए ये लेक व्यू है, यहाँ पे लेक है, इधर के साइड पे घर बने हुए हैं तो बहुत अच्छा व्यू आता है एंड फुल ऑफ ग्रीनरी। और थेरेप्यूटिक लगता है ना इस तरीके से ट्रैक बना हुआ और आप वॉक करो, बहुत मन अंदर से खुश होता है इतनी सारी ग्रीनरी देखने को। तो बस अभी हम बाहर से आए हैं और मैंने सोचा चलो अब डिनर बनाते हैं। तो यहाँ पे परात में आटा बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक लिया है, अजवाइन, हींग, अमचूर पाउडर, हरी मिर्च और ये स्वीट पोटैटो है, ठंडा हो गया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता। और अब इसका मैं एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार कर लूँगी। सिंपल व्हीट फ्लोर मैंने इसमें ऐड किया है और देखिए डो थोड़ा सा सॉफ्ट ही बनाया है। और फिर चाहें तो आप इसके पराठे बनाएं, चाहे रोटियां बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो मैं गोविंद के लिए तो एक पराठा बनाऊंगी और हम लोग रोटी खाएंगे। ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और साथ ही सोचा कि आज जो ये मद्रास लेंटल लेकर आई हूँ इसे भी ट्राई करती हूँ। तो आज तो मेरा फास्ट है, मैं तो नहीं ट्राई करूँगी, बट अंशुल बोल रहे थे कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टेस्टी है, तो आप लोग भी इसे बाय कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगी उन्हें तो खाने में। तो देखिए ये हमारा डिनर है, ये स्वीट पोटैटो पराठा गोविंद के लिए है, रोटी हमने अपने लिए बनाई है, आलू बीन्स की सब्ज़ी है जो मैंने मॉर्निंग में बनाई थी लंच बॉक्स में देने के लिए, और ये थोड़ा सा अचार है घर का। तो बस डिनर वगैरह करने के बाद अभी थोड़ा सा फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे हैं, गोविंद के साथ खेल रहे हैं। और आज की वीडियो यहीं तक थी, होप करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिविटी फैलाइए। बाय बाय।